लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई लोग, यह है इनका जीतने का इनाम। इनाम हाथी के ऊपर रखा है ना? हाथी ही तो इनाम है। हाथी ये हाथी ये इनाम। देखिए, आपसे कोई गलती हो रही है, मैं तो ये इनाम नहीं लूंगा, ये तो मुसीबत है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या कहते हो, इतना अच्छा इनाम। ए भाई, ये हाथी तुम ले लो, एक भैंस की कीमत मुझे दे दो। ये हाथी बिकाऊ नहीं है दोस्त, इसलिए जैसे लॉटरी में लगाया है। तो मैं जाता हूँ, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। कैप्टन नहीं, कैप्टन नहीं। अरे ये हाथी लेकर क्या करूंगा यार, कुत्ते बंदर को तो भरपेट खिला नहीं पाता, इसको कहां से खिलाऊंगा। अरे कौन किसे खिलाता है, खिलाने वाला तो ऊपर बैठा है। क्या पता मंगल मूर्ति गणेश जी ने हमारे अच्छे दिनों का ट्रेलर भेजा हो। हो सकता है कि हाथी हमारा कोई काम कर दे, या फिर हाथी का कोई काम हो जो हम लोग कर दे। ठीक है, एक काम कर, ये ले जा और अपने नए दोस्त के लिए कुछ खाना लेकर आ। यस कैप्टन। यजमान, वैसे तो आपका सब कुछ ठीक है। अच्छा, पर एक खतरा है। खतरा? इसी आदमी से? जी नहीं, किसी जानवर से। वो कुत्ता तो नहीं काटेगा? सारे कुत्ते मुझे देखकर भौंकते रहते। कुत्ता नहीं यजमान। तो फिर बात यह है कि पिछले जन्म में आप किसी मंदिर के पुजारी थे। अच्छा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और उस मंदिर से आपने गणेश की एक सोने की मूर्ति चुराई थी। लेकिन अब वो सोने की मूर्ति कहाँ होगी महाराज? वो मूर्ति इस वक्त एक खूंखार हाथी बनकर आपको ढूंढ रहा है। ए, मुझे इस विद्या में कोई विश्वास नहीं। चल चल फुट जाए, चल दबा जाए। ये जमान, खूंखार हाथी, खूंखार हाथी बनकर मुझे ढूंढ रहा है। बहुत बड़ा इनाम मिल गया सेठ जी, देखिए इनाम मिल गया। शाबाश शाबाश शाबाश, अरे लारी भर के रुपए लेकर आए हो, जाकर देखिए तो सही। ये देखिए, वो मूर्ति इस वक्त एक खूंखार हाथी बनकर आपको ढूंढ रहा है। ले जाओ मेरे जान के दुश्मन को यहाँ से, ले जाओ ले जाओ। अरे सेठ जी आइए, अरे सेठ जी नादान मत बनिए, आपकी तकदीर खुल गई। अरे ये हाथी, ये लक्ष्मी का दूत, गणपति की प्रतिमा, अरे आपके घर आए हैं, आप धनी हो जाएंगे। कैसे? अरे एक सुनार ने इनकम टैक्स के रेड के डर की वजह से 25 किलो सोने के बिस्कुट इस हाथी को खिला दिए हैं। हाँ, और सेठ जी जो पेट में गया वो बाहर तो निकलेगा ना, अब उसके हर लीद में एक एक गोल्ड बिस्कुट बाहर निकलेगा। हाँ ठीक है, इस हाथी को संजीरों से बांध दो। जी लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, इस हाथी की लीद को मेरे सिवा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे बिल्कुल नहीं लगाएगा सेठ जी, अब जो निकलेगा सब आपका। अरे कैप्टन, ओ कैप्टन, ये हाथी क्यों चिल्ला रहा है? भूख की आवाज है, मैं इसे जानता हूं। आ, आ,
आजा देखते हैं। अरे रे, माफ करना दोस्त, तुम्हें जीतने के लिए बहुत मार खाया, बहुत पिटाई हुई, इसलिए तुमको गुड नाइट कहा भी नहीं और नींद आ गई। भूखे हो ना, इस घर में अक्सर ही भूखा रहना पड़ेगा। देखो दोस्त, मैं एक गरीब आदमी हूं, जो रोटी कमाता हूं उसकी साइज मेरे भूखे पेट की साइज से हमेशा कम होती है, लेकिन वादा करता हूं जब मां का ऑपरेशन हो जाए, मां घर पे आ जाए, चार टाइम खाना खिलाऊंगा पेट भर के। तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके? थैंक यू। आज की रात लाखों हिंदुस्तानियों की तरह पानी का डिनर कर लो, कल की सुबह तो जिंदगी का दूसरा दिन होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हेलो ए हेलो, कहिए मेरे आदमी का काम हो गया ना? आपका आदमी तो इंटरव्यू के लिए आया ही नहीं। ओम श्री नारायण नमः, ओम पतिदेवाय नमः। ना समझ नालायक औरत, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कब कौन सा काम करना चाहिए? गेट आउट। क्या आप मुझसे कैसे बातें कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा था। देखिए मेरा आदमी किसी ना किसी तरीके से वहां जरूर पहुंच जाएगा, उसका काम हो जाना चाहिए प्लीज। तू समझती क्यों नहीं? शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब तो तुम्हारे आदमी को नौकरी मिलेगी ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, जल्दी हो, एक आदमी की नौकरी चली गई है। मेरी पूजा और पुण्य के सामने नौकरी क्या चीज है जी? मेरे कपड़े तुमने लिए? कपड़े? तुम कपड़े भी पहनती हो? सीधे से मेरे कपड़े दे दो। ये देखो, ना मैं किशन कन्हैया हूँ और ना तुम गोपी हो जो तुम्हारा वस्त्र हरण करूंगा। वो क्या है? ये क्या है? लगता तो कपड़े जैसा, लेकिन यहाँ आया कैसे? कैसे आया? ये सवाल तुम्हारा नहीं, मेरा है कि मेरे कपड़े यहाँ कैसे आए। अरे ऐसे कह रही हो जैसे ये कपड़ा मैंने चुराया है। और नहीं तो क्या, और कोई यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, मैंने चुराया है ये कपड़े भी, मैंने तुम्हारे बदन से उतारा है, जो करना है कर लो, जाओ। मम्मी, ना खाया ना पिया, ग्लास थोड़ा चारा ना यार। लेकिन ये कपड़ा यहाँ आया कैसे? We'll be right back.
गए आप लोग, लाओ पैसे। अरे भाई एक लीटर दूध देना, ये लो आपका दूध। अरे अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आओ आओ, ऐ शाबाश बेटा शाबाश। तो ये तुम्हारा काम आया? क्यों, कैसी है रोटी? बहुत मीठी है। मीठी तो लगेगी, चोरी की रोटी हमेशा मीठी ही लगती है। चोरी की रोटी क्या बकते हो? अरे इतनी भूख लगी थी तो मांग लिया होता, चुराई क्यों? मैंने तुम्हारी रोटी चुराई? तो और किसने चुराई? चोरी ऊपर से सीना चोरी। चलो मेरी रोटी दो। अरे मेरी रोटी छीन ली। मेरी रोटी? अरे ये मेरी रोटी है। हिंदुस्तान में रोटी वो खाएगा जो कमाएगा, वरना कोई किसी की रोटी ना छीन सकता है ना चुरा सकता है। रोटी चुराएगी है? तुमने मुझे धक्का दिया। मम्मी जी, आप अपने सोने के लिए देंगे। ओम स्वामी नारायण नमः, ओम सूर्य नारायण नमः, ओम। ओम पतिदेवाय नमः, ओम स्वामी नारायण नमः। ठीक है। अरे अच्छा होता तो बांध लेकर आती और मेरे घाव पर लगाती। चली आई पानी लेकर पूजा करने के लिए। कल से मैं पूजा शुरू करूंगा, अगले 7 जन्मों तक मैं ही तेरा पति बना रहूंगा। जी ऐसी अशुभ बात मत बोलिए जी। अरे तुझे पूजा की पड़ी है और मैं यहाँ हाथी की लातों से मर रहा हूँ। गणेशा अब पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। कैसे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। देखो तुम बिरजू के दोस्त हो और बिरजू मेरा दोस्त है। दोस्त का दोस्त तो दोस्ती हुआ ना। आओ हमसे दोस्ती करो। गजराज
क्या हुआ? अरे बाप रे, अभी ठीक हो जाएगा, दवा लेकर आता हूं। यही जिंदगी है दोस्त, इंसानों के साथ अगर रहना है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, यहां बड़े से बड़े को एक छोटी सी चीज रुला देती है। और तुम लोग रास्ते में खिला पड़ा है और तुम लोगों को नजर नहीं आया? जानवर होकर अगर इंसानों की तरह लापरवाही करोगे तो ठीक नहीं होगा।